किया है ये देखिए वो सब यही घर का है, सब उधर किया, वो सब यहाँ पे था। हेलो 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 एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग यानी कि इरफू ब्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि काफ़ी बड़ा पार्क है रांची का। तो आज हम लोग ये एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग अभी निकले नहीं है, अभी मतलब अभी तो इंटर भी नहीं किए। हम लोग सोचे हैं कि अंदर काफ़ी ज़्यादा एरिया बड़ा है, तो ये जो हेलमेट है ना, ये हेलमेट हम लोग सोच रहे हैं कि दुकान में दे दें, ताकि हम लोग के लिए थोड़ा ईजी हो जाए एक्सप्लोर करने में। क्योंकि यार हेलमेट लेके आप हर जगह चलना मतलब थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए हम लोग आए। ये सब दुकान है ना भैया लोग को, आप लोग भी आइए तो हेलमेट यहाँ पे दे दीजिए 10-20 रुपये दे के। ओके ब्रो, तो ये पार्क का सबसे अच्छा चीज़ मेरे को ये लगा ना कि आप ये सब जो चीज़ है ना आप लेके नहीं जा सकते अंदर, नहीं तो ये भैया आप लोग को रोक देंगे। ओके, तो हम लोग ये सब लेके भी इंटर कर चुके हैं, लेकिन इसका एक नियम है, अगर आप ये सब लेके जा रहे हैं, बोतल लेके जा रहे हैं, कुछ रैपर लेके जा रहे हैं, तो आपको वापस लाना होगा, अदरवाइज नहीं तो आपको जो है ना फाइन देना होगा। और ये अच्छा रूल है, क्योंकि इसके कारण ना पार्क में आप गंदगी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोग होते हैं कि फेंक देते हैं इधर उधर, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। काफ़ी खूबसूरत एंट्रेंस है यहाँ का, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये सब जो पेड़ लगा हुआ है इससे और खूबसूरती पे चार चांद लग जा रहा है। जैसे ही आप इंटर करिएगा आपको लगेगा कि यार वाह, मतलब क्या पार्क है। तो हम लोग अभी इंटर किए हैं, आगे देखते हैं क्या है कैसा है, तो जैसा भी होगा आप लोग को ज़रूर दिखाएँगे। तो अभी हम लोग एक्वाटिक जोन में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत कमल का फूल है। और हम लोग इंटर करते के साथ सबसे पहले एक्वेटिक जोन में इंटर किए हैं, जहाँ पे कमल का फूल ये सब है। तो कहते हैं कि कमल का फूल सिर्फ कीचड़ में खिलता है, पर यहाँ पे साफ पानी में है, भरोसा नहीं हो रहा तो आप देख लीजिए। तो ये हम लोग का पहला स्टॉप था, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर भी घूम के, काफ़ी पीसफुल है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं किसी और जोन में, तो वहाँ का आप लोगों को दिखाते हैं। और हाँ, स्टिंग ज़रूरी है भाई, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग होने वाला है, ट्रैकिंग। तो अपने दोस्त के साथ आए हुए हैं, तो हम लोग दोनों ही, आज संडे था तो संडे का प्लान था कि चलो यार कहीं चलते हैं। तो अब हम लोग गुलाब वाटिका की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गुलाब वाटिका रोज़ गार्डन, तो ये एरिया जो है, ये एरिया पूरा रोज़ गार्डन है। यहाँ पर अभी सब गुलाब लगा हुआ है, फरवरी के टाइम में इसका सीज़न होता है, तो फरवरी के टाइम में आपको अलग अलग तरह का रोज़ सब खिला हुआ दिखने को मिलेगा, तो उस टाइम काफ़ी अच्छा लगेगा। ये है चौपाल, मतलब अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, तो जैसा कि अभी हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप चलिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा हरासमेंट भी नहीं होगा। तो आप मतलब ये क्या है ना, हर जगह पर यह चौपाल बना हुआ है, कहाँ पर गया है चौपाल, तो ये हर जगह पर चौपाल बना हुआ है, आप चलते रहिए, घूमते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और बैठते रहिए। तो अभी हम लोग भी बैठने वाले हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, पहले ही थक जाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा आप लोगों को वीडियो में, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और भाई बिजनेसमैन के साथ आओगे ना तो थोड़ा ऐसे ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हमेशा मीटिंग नहीं रहता है फ़ोन में। और अपने लोग का क्या भाई, आजाद परिंदा। अभी तक का सफ़र हम आप लोगों को अच्छे से रिवाइंड करवा देते हैं। टिकट लिए और इंटर किए, इंटर करते के साथ हम लोग गए एक्वाटिक जोन, फिर उसके बाद गुलाब वाटिका मतलब रोज़ गार्डन, फिर थोड़ा सा हम लोग को लगा कि चलो चौपाल है तो चौपाल का भी मज़ा लिया जाए। तो अभी हम लोग चौपाल में बैठे हुए और चौपाल का थोड़ा सा नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं, नहीं तो फिर स्टिंग पीना पड़ेगा भाई। हमने तो बैकअप प्लान में लिए थे, पर आप लोग ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो मेरा भाई अब यहाँ से चौपाल से उठ चुका है, आगे बढ़ रहा है, आगे हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के पास, यहाँ का हैंडमेड वाटरफॉल है, जो भी काफ़ी खूबसूरत है देखने में। हम लोग अब इंटर कर रहे हैं धनवंतरी औषधीय उद्यान में, जो कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे तरह तरह का जड़ी बूटी आपको देखने को मिल जाएगा, तो कौन सा पौधा किस काम में आता है आप वो देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये सारा एरिया है, आप किधर से भी इंटर कर सकते हैं, चाहे इधर से करिए या फिर इधर से करिए, और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकता है। जैसे ये बाश का, तो एक औषधि के बारे में आप लोगों को बताते हैं, करोड़ा
इसका उपयोग हम बताते हैं रक्तचाप, रेबक, गठिया, जानवरों के घाव के कीड़े मारने में। तो ऐसा ऐसा चीज़ है यहाँ पे, जड़े लग बूटी नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा जड़ी बूटी है ये भाई। तो इसका नाम आप लोगों को दिखाते हैं, सोना पाटा। पता नहीं क्या है, इसका पूरा डिटेल्स में नहीं लिखा हुआ है, बट बहुत काफ़ी बड़ा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि केतारी का पेड़ है। सिंदूर तो आप लोग को पता ही होगा, तो आज सिंदूर का पौधा भी देख लीजिए। ये है सिंदूर का पौधा। अब आप लोगों को लगेगा कि यार मजाक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो ये इसका फल है, और इसके अंदर जो ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं ना, इसका बीज दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। तो ये जो इसका बीज है ना, यही है सिंदूर। अगर आपको कहीं सिंदूर नहीं मिल रहा तो बायोडाइवर्सिटी पार्क आइए, और जिसका मांग भरना है भर दीजिए। क्या बोला तूने? क्या ब्रो? यार काफी बड़ा है भाई, काफी बड़ा एरिया यहाँ पे, और पूरा एरिया में ना आपको सिर्फ जड़ी बूटी ही देखने को मिलेगा। कि पहले कैसे सब इलाज करते थे, कैसे क्या करते थे। तो आप यहाँ पे आइए, आपके लिए बहुत ही सही जगह। आपको हर एक पौधा के बारे में, जो भी है उसका क्वालिटी, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा ब्रो, है कि नहीं? कुछ सीखने को मिला। मतलब अगर आप इंजॉय करने के साथ साथ कुछ सीख के भी जा रहे हो, तो इससे अच्छा और क्या है। कम से कम एक बार तो विजिट करना ही चाहिए। ये है भृगराज। हर प्रकार का, तरह तरह का, जो भी आपको रोग है यहाँ पे उसका छुटकारा मिल जाए। हर मर्ज की दवा है यहाँ पे। अगर भरोसा नहीं है तो आप ये भी देख लीजिए, काल मेघ चिरायता। इसका क्या है पूरा पौधा उपयोग, हैजा, मधुमेह, खुजली और बवासीर। तो ये पौधा को तो आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी पॉपुलर पौधा है। तुलसी, तुलसी मैं तेरे आंगन की। ओके गाइस, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट हम लोग को लगा है वो सिंदूर का पौधा जो आप लोग को दिखाए थे, और उसका साइड इफेक्ट भी देखिए। ये जो देख रहे हैं ना, पूरा उंगली पूरा लाल है भाई। तो वो काफ़ी हम लोग को अच्छा लगा, क्योंकि यार रियल में मतलब सिंदूर देखने को मिला ना, तो काफ़ी इंटरटेनिंग था हम लोग के लिए। क्या पे तुमको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। तुमको सब अच्छा, तुमको सबसे मज़ा सिंदूर का पौधा सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट वही था, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वही, क्योंकि सिंदूर तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं, और फिल्म में भी काफ़ी सारा सिंदूर का कीमत तुम क्या जानते हो। फिल्म में भी काफ़ी सारा डायलॉग है उसका, एक सिंदूर एक चुटकी सिंदूर का तुमसे ना हो पाएगा, कीमत क्या जानो रमेश बाबू। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत इसको बनाया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पुल भी बनाया गया है इसमें। तो यहाँ पे ये चीज़ का सुविधा हो गया, जो कि पहले नहीं था। तो आप घूमते घूमते अगर आपको भूख लग रहा तो आप यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। तो आज संडे का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोग को यहाँ पे आने के बाद। बहुत साल के बाद हम लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क आए हैं, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पीसफुल जगह है, और मौसम भी बहुत सही है, तो पूरा आनंद आ रहा है, स्वाद आ गया स्वाद। अब हम आप लोगों को एक चीज़ और दिखाने जा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कैक्टस जोन। तो ये चीज़ भी काफ़ी हाईलाइट चीज़ है यहाँ पे। आपको रांची में कैक्टस देखने को मिल रहा, और क्या चाहिए आपको, राजस्थान या रेगिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी हीट रहता है, क्योंकि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, इससे यहाँ का जो तापमान है उसको मेंटेन रखने के लिए काफ़ी हीट मेंटेन करना पड़ता है। तो आप यहाँ ठंडा में आइए या कभी भी आइए, गर्मी का एहसास हमेशा होगा आपको। यहाँ पे इंटरी किए थे, और इतना गर्मी ज़्यादा बढ़ गया है कि यार पसीना पसीना हो गया, पसीना छूट गया है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओ भाई, मतलब अंदर इतना तापमान ज़्यादा है कि बाहर निकलने के बाद एकदम ठंडा ठंडा हवा का एहसास हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ता होगा। यहाँ पे इस बार हम लोग को नया देखने को मिला है कि हर जगह पे कैंटीन खुल चुका है। तो ये कैंटीन यहाँ पे एक, और आप लोग को इससे पहले भी दिखाए थे रास्ते में। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा हो गया टूरिस्ट लोग के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, सब के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वो क्या चीज़ है? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भाई के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे वो क्या है, तो आप लोग को हम बताते हैं। अगर आप कोई पार्क आ रहे घूमने और आपको लग गया तो क्या करिएगा? नहीं, सोचिए, आप सोचिए क्या करिएगा। तो सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा वाशरूम, और वाशरूम कहाँ पे है? तो ये है वाशरूम का जगह, ठीक है। तो भाई का
जुगाड़ मिल गया। चलिए आप लोग को वाशरूम थोड़ा सा घुमा देते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पार्क का कैसा वाशरूम है। वाह तो ये वाशरूम है। तो आप लोग को कैसा लगा वाशरूम देख के यहाँ का? आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि यार हर कोई वाशरूम नहीं दिखाता है भाई, आपको सिर्फ इरफू ब्लॉग में ही दिखने को मिलेगा। भरोसा नहीं हो रहा है? पता नहीं, जो भी मेरा स्कूल का दोस्त लोग देख रहा है, भाई ये झूला को याद कर लो, कैसा बैंड बजाते थे तुम लोग का याद है ना? इसको घुमाते थे जो इस तरीके का ना लंच के टाइम हम लोग, कि बहुत लोग का तो उल्टी करवा दिया हम लोग यार इसमें। और लड़की लोग तो गलती से भी नहीं बैठती थी भाई, हम लोग जब रहते थे तो उन लोगों का तो हालत ही खराब हो जाता था। ये बहुत खतरनाक झूला है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं झूला झूल के। भाई अंदर का बचपना जाग गया। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं झूला झूल के, बच्चे लोग के साथ बचपना याद आ गया। और अभी हम लोग का आधा रास्ता ही हुआ है, तो अभी और हम लोग को अंदर जाना है और आगे जाके और इन्जॉय करना है। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं ताकि एनर्जी बच जाए। बाकी सब बढ़िया है? हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग कैसे पूछ रहे हैं, तो आप लोग बताइए जरूर कि कैसे आप लोग। ठीक ना बे? ओके गाइस, तो सबसे इम्पोर्टेंट नोट आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई जो था वो एक्ट कर रहा था कि आर यू कॉमेडी मी, कि बहुत लोग आते हैं और ये बोतल फेंक के चले जाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि यार पार्क है, उसका खूबसूरती बनाए रखें। तो अगर आपको बोतल फेंकना है तो वहाँ पे डस्टबिन है, आप उसमें जाके ड्रॉप कर दीजिए, यही सही तरीका है। इससे क्या है ना कि आपका जो है पार्क का खूबसूरती भी बना रहेगा और काफी अच्छा भी लगेगा। तो इसको एक्टिंग के लिए एक तो बनता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। देखिए भाई कैसे चल के बोतल फेंकना है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सनसेट पॉइंट में, जो कि काफी ऊपर है। तो आप ये देख सकते हैं काफी खूबसूरत बना दिया, पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सनसेट पॉइंट चढ़ते चढ़ते टर्टल पार्क के पास पहुंच गए, जो कि आपको दर्शाता है ये डमी ही रखा हुआ है, बट काफी खूबसूरत है। जगह जगह पे एक यहाँ है, एक यहाँ है, जगह जगह पे रखा हुआ है। शायद यहाँ पे टर्टल होगा पानी के अंदर। तो हम लोग अभी सनसेट पॉइंट के आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरती इसका दिख रहा है, चारों तरफ जंगल फैला हुआ है, तो जिससे काफ़ी खूबसूरत लगता है ये एरिया। और बाकी ऊपर चढ़ के आप लोगों को बताते हैं कि सनसेट पॉइंट कैसा है। ये भी पहाड़ के ऊपर ही है, तो जिससे कि काफ़ी अच्छा लगता है सूरज अगर डूबता है तो। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सनसेट पॉइंट में, तो यहाँ पे काफ़ी सारा चट्टान है, तो जिससे काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और आगे आप लोगों को दिखाते हैं, आगे का एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा आपको जंगल दिखेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको दिखता हुआ। ओके गाइस, तो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाले हैं। दूर से एक बंदा आया है जो कि अपने आप को काफी शक्तिशाली समझता है। ये जो आप चट्टान देख रहे हैं ना, ये चट्टान को हिलाने वाला है। तो भाई स्टार्ट हो जा। तो देख सकते हैं भाई पूरा ताकत लगा दिया है, और पता नहीं चट्टान का क्या हाल हो रहा है। हमको तो लगता है कि चट्टान ढलक जाएगा, जो कि पहले यहाँ हुआ करता था वो वहाँ हो गया। तो वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा ऐसा ऐसा। ओके गाइस, तो आप लोग को बहुत सारा अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ना बहुत कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। तो हमारे चैनल में अभी बहुत कुछ आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले कि क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। इरफू ब्लॉग आप जैसा कि व्यू देख सकते हैं, ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, जो पहले यहाँ हुआ करता था, यहाँ से वहाँ घसकाए हम लोग दोनों मिल के। क्या हुआ ब्रो, थक गया क्या? थके तो नहीं है, बस थोड़ा सा सोचे कि थोड़ा बैठ लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोग को ना व्यू पॉइंट दिखाना है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं लगे हाथ। जितना दूर भी आपका नजर जाएगा ना, सब तरफ जंगल ही जंगल है। क्या खूबसूरत लग रहा है, आगे भी पहाड़ है, ऊपर सूरज है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा लाइट।
आई होप आप लोग को यहाँ का ब्लॉग काफी अच्छा लगता होगा, क्योंकि यहाँ का व्यू जो है हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी काफी अच्छा लगता होगा यहाँ का व्यू। आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ ही पेड़ ही पेड़ है, पहाड़ है, पूरा जंगल में फैला हुआ है ये पार्क। और यहाँ का व्यू पॉइंट से तो क्या खूबसूरती दिख रहा है यहाँ का, आप देख सकते हैं वहाँ पे जितना चट्टान है वो सब। तो यहाँ आने का डिसीजन काफी अच्छा था, आप लोग भी आइए अपने फ्रेंड लोग के साथ, एंजॉय करिए, और क्या चाहिए। और यहाँ का टिकट भी काफ़ी सस्ता है, 20 तो फ़ायदा का सौदा है। हम लोग आए हुए काफ़ी करीब करीब 2-3 घंटा हो चुका है, 2-3 घंटा में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, काफ़ी अपने स्लैंग में बोले तो काफ़ी किचैन हुआ है, काफ़ी हंसी मजाक हुआ है, तो अच्छा लगा आज का दिन घूमने में। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो बाकी का चीज़ आप लोग को और दिखाते उधर, फिलहाल आप यहाँ का व्यू पॉइंट इन्जॉय करिए। हम लोग अब व्यू पॉइंट से नीचे उतर चुके हैं, अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, पार्क के उस साइड। ओ भाई थोड़ा सा एडवेंचर, जंगल झुड़ास के सामने पार होते हुए थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को उस साइड जाना है। मैं तो डर गई। तो हम लोग जंगल के बीचों बीच पार कर रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग वहां से आ रहे हैं, वो जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, इतना नीचे उतरे अभी हम लोग जंगल में, अभी और नीचे उतरना है। ओके गाइस, तो अब हमारा जो आज का दिन है वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क से निकल रहे हैं। ओके, तो हम लोग अभी जो मेन गेट है ना उससे इंटर किए थे, बट अभी क्या है कि अभी टाइम ओवर हो गया है, तो वहाँ पर वो क्लोज हो चुका है, तो अब हम लोग को जाना होगा इस साइड। तो एग्ज़िट का अभी इस साइड हो गया, पता नहीं इधर कोई छोटा यार क्या कुछ काट रहा भाई, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिए।